लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टोनी कहाँ है? माँ कसम साहब, मुझे नहीं मालूम। हाँ, टोनी! मुझे नहीं मालूम, मुझे किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एक मिनट होल्ड करना। मैंने कहा घर के बाहर मत निकलना और किसी के लिए दरवाजा भी मत खोल। प्लीज होल्ड करना, कुछ सुनाई नहीं देता। उफ़ो, कौन है तुम? तेरा जन्म लेना चाहता हूं, लेकिन डर मत, इतना जल्दी नहीं मारूंगा, मजा लूंगा, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली तेरा टुकड़ा टुकड़ा करूंगा, तुझे खत्म करूंगा, खलास करूंगा, फिनिश करूंगा।
Give me your gun! Give me your gun! Just so you can or I'll kill that bastard! Vijay! Vijay! This time we are in protection. Don't try and teach me the bloody law! कहा था तुम्हारा कानून जब इसने बेगुनाहों का खून किया था? कहा था तुम्हारा कानून जब इसने मेरे दोस्त शेखर और उसकी बीवी का कत्ल किया था? इस कुत्ते ने जब मेरे मासूम भाई और उसकी बीवी को मारा था, कहा था तुम्हारा कानून? I cannot stand for your bloody law. ये क्या? ये बिल्ला है सर। ये वो बिल्ला है जिसे वर्दी पर लगाकर मैंने हर शरीफ अमन पसंद शहरी की हिफाजत और रक्षा की कसम खाई थी। मुझे बताया गया था कि इस बिल्ले में वो ताकत वो अथॉरिटी है जिससे मैं आम शहरियों को गुंडे बदमाश दरिंदों से बचा सकूंगा, उनकी हिफाजत कर सकूंगा। मगर आज 10 बरस के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है सर कि ना तो इस बिल्ले में कोई ऐसी ताकत है और ना ही कोई ऐसी अथॉरिटी। यह तो एक बेकार टीन का टुकड़ा है सर, जो सिर्फ समाज में घूमते हुए खूनी पागल पेशावर दरिंदों की हिफाजत कर सकता है। कमिश्नर साहब, आज मैं उस कसम को तोड़ता हूं और एक दूसरी कसम खाता हूं जो ना तो मैं कभी तोड़ूंगा और ना ही दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे तोड़वा सकती है। मैं अपने भाई और उसकी बीवी, अपने दोस्त और उसकी बीवी और कई मासूम जानों की कसम खाता हूं सर कि कल आपकी पूरी पुलिस फोर्स, दुनिया की सारी ताकत उस हरामजादे टोनी ब्रगेंजा को कोर्ट जिंदा नहीं पहुंचा सकती। इंस्पेक्टर अहमद को फॉरवर्ड भेजो। सर, इंस्पेक्टर विजय अभी अभी नौकरी छोड़कर यह कह कर गया है कि कल हम एंथनी ब्रगेंजा को जिंदा कोर्ट नहीं पहुंचा सकते। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ही मींस बिजनेस। इस मामले में हमें पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। ऐसा करो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस हेडक्वार्टर्स फोन लगाओ। यस सर। और वो सारे जाली नोट जो हमने रेड में पकड़े थे वो भी ले गया। एमिनेशन और हथियार का ले जाना तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये तो विजय भी अच्छी तरह जानता था कि वो नोट जाली है, फिर ऐसा क्यों? ये सिर्फ आधा पैसा है, आधा पैसा काम हो जाने के बाद दूंगा। मगर ये सब तुम क्यों करना चाहते हो? तुम्हें आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से? मगर फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि ये सब क्यों? तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ, है। फूल प्रूफ।